हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल राउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 अकबर द ग्रेट। ये चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं टू पार्ट्स में, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स, ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स, गिव रीजंस एंड लास्टली वी विल डू पिक्चर स्टडी एंड आफ्टर दैट वी विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Please like, share and subscribe to our channel and also not forget to comment us. So let's start. Tick the correct options. First, which of the following was the painter in Akbar's court? Akbar ke court mein, jo Akbar ka darbar tha, usme inme se kaun ek painter tha? Theek hai, chitrakar tha. Abul Fazl, Faizi, Daswan, Tansen. So Daswan. To commemorate Akbar's conquest, dash was built. अकबर की जीत को कोमेमोरेट करने के लिए यानी कि यादगार बनाने के लिए क्या बनाया गया था? पंचमहल, बुलंद दरवाजा, हुमायूं टॉम्ब, आगरा फोर्ट। तो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था ताकि अकबर ने जो जीत हासिल करी है उसे याद रख सकें लोग। व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फोर्ट? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? सीई 1568, सीई 1576, सीई 1586 और सीई 1591। So, 1576 में ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। द सुपरवाइजर ऑफ ग्रांट्स एंड स्टिपेंड्स टू स्कॉलर्स वॉज नोन एज। ग्रांट्स और स्टिपेंड्स जो दिए जाते थे स्कॉलर्स को, उसके सुपरवाइजर को, उसके मैनेजर को क्या बोलते हैं? मीर समन, वकील, चीफ सदर, मीर बख्शी। तो उसे बोलते हैं चीफ सदर। अगेंस्ट होम डिड अकबर फाइट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन सीई 1556? किसके अगेंस्ट अकबर ने पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुई थी, दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, वो किसके अगेंस्ट लड़ा था सीई 1556 में? ये डाइटनी फाइट है, ठीक है, एफ आना यहाँ पर। हेमू, राणा प्रताप, बाज बहादुर, दाऊद खान। सो हेमू के अगेंस्ट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। ये हो गए हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैश वॉज द गार्जियन ऑफ अकबर। अकबर का गार्जियन कौन था? बैरम खान। बैरम खान के अंडर ही हुमायूं को रखा गया था, वो हुमायूं उसकी गाइडेंस लेता था बैरम खान की, है ना, वो जनरल मिनिस्टर था उनका। अकबर अडॉप्टेड अ लिबरल डैश पॉलिसी। अकबर ने एक लिबरल डैश पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, तो रिलीजियस पॉलिसी थी वो। इन द ईयर डैश, कौन से ईयर में अकबर डिफीटेड दाऊद खान? अकबर ने दाऊद खान को डिफीट किया। जो दाऊद खान कौन था? सुल्तान था, कहाँ का? बंगाल का। और कौन से ईयर में किया? 1576 में किया। अकबर अबॉलिश्ड डैश एंड डैश टैक्स। अकबर ने ये और क्या क्या अबॉलिश कर दिया, क्या क्या स्टॉप करवा दिया? जाजिया और पिलग्रिम टैक्स। तुलसीदास रॉट दी डैश इन अवधि। तुलसीदास ने कौन सी किताब, कौन सा धार्मिक ग्रंथ अवधि लैंग्वेज में लिखा था? रामचरित मानस लिखा था उन्होंने, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम करते हैं मैचिंग्स। बैरम खान गार्जियन ऑफ अकबर। बैरम खान कौन था? गार्जियन था अकबर का। अबुल फजल ऑथर ऑफ अकबरनामा, ठीक है। टोडरमल इंचार्ज ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। रिवेन्यू डिपार्टमेंट का इंचार्ज थे टोडरमल। तानसेन म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के जो दरबार था उसका म्यूजिशियन था तानसेन। दीने इलाही रिलीजियस फेथ स्टार्टेड बाय अकबर। ये एक रिलीजियस फेथ था जो अकबर ने स्टार्ट किया था, क्या? दीने इलाही। मैचिंग्स भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। बैरम खान वॉज अ फेथफुल जनरल हु सर्व्ड बोथ हुमायूं एंड अकबर लॉयली। बैरम खान एक फेथफुल जनरल था जिसने हुमायूं और अकबर को फेथफुली यानी कि लॉयली उस वफादारी के साथ अपनी सर्विसेज दी बैरम खान ने। यस इट इज ट्रू। राजा टोडरमल वाज द रिवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर थे। यस ट्रू। अकबर अलाउड रिलीजियस फ्रीडम टू राजपूत ओनली। अकबर ने सिर्फ राजपूत को ही रिलीजियस फ्रीडम दी थी। इट इज फॉल्स। सभी को उसने रिलीजियस फ्रीडम दी थी। अकबर रीइंपोज्ड जाजिया ऑन द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। अकबर ने जाजिया नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर फिर से लगा दिया था। फॉल्स। उसने हटाई दिया था, बिल्कुल अबॉलिश कर दिया था, एकदम बंद। द मनसबदार्स ऑफिसर्स वर पेड इन जागीर्स। मनसबदार ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें जागीर्स में पे किया जाता था। यस इट इज ट्रू। ठीक है, कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं है क्योंकि ये चैप्टर में अच्छे से हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, अच्छे से लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला है व्हेन एंड बिटवीन हुम वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट एंड वॉट वर इट्स रिजल्ट। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो
कब और किसके बीच में हुआ था और उसके रिजल्ट्स क्या हुए इस युद्ध के। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू इन सीई 1556। सेकेंड बैटल जो था पानीपत का वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। इट्स रिजल्ट्स वर, इसके रिजल्ट्स क्या थे, दैट इट डिस्ट्रॉयड अफगान पावर, अफगान पावर खत्म हो गई इससे, एंड यूनाइटेड मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर फिर से यूनाइट हो गई, एंड ये जो युद्ध हुआ था इसमें हेमू को हरा दिया गया, हेमू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, उसे हरा दिया गया और मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट अकबर्स नॉर्थर्न कंक्वेस्ट। नॉर्थर्न डायरेक्शन में, नॉर्थर्न एरिया में अकबर ने क्या क्या जीत हासिल करी उसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अकबर्स कंक्वेस्ट इन नॉर्थ, नॉर्थ में उसने क्या क्या कंक्वेस्ट किए थे वो बताने आपको। फर्स्ट पॉइंट है, इन सीई 1561 में ही सेंट अ ह्यूज फोर्स, उसने एक बहुत बड़ी फोर्स अपनी भेजी थी अंडर आदम खान, आदम खान उस फोर्स का लीडर था, टू कंक्वेयर मालवा, मालवा को जीतने के लिए, एंड इट्स रूलर फ्लेड फ्रॉम देयर, और मालवा का जो रूलर था वो आदम खान और उसकी फोर्स को देखकर, अकबर की फोर्स को देखकर वहां से फ्लेड हो जाता है, यानी कि वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सीई 1564 में गढ़ कटंगा वॉज एनेक्स्ड बाय मुगल फोर्स लेड बाय आसफ खान। गढ़ कटंगा नॉर्थ एरिया में ही है, तो गढ़ कटंगा भी मुगल फोर्स के द्वारा कब्जे में कर लिया जाता है, और मुगल फोर्स का जो उस वाली का लीडर था कौन था, आसफ खान था, जो गढ़कटंगा पर अटैक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़ इन सीई 1568। अकबर ने चित्तौड़ को भी अपने अंडर कर लिया 1568 में। ही मार्च अप टू चित्तौड़ एंड एनेक्स्ड इट, वो चित्तौड़ तक जाता है और उस पर कब्जा कर लेता है। देन ही कंक्वर्ड कलिंजर इन 1569, रणथंबोर गुजरात इन 1573। नेक्स्ट ईयर राणा प्रताप वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576। हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था सीई 1576 में, उसमें राणा प्रताप को हरा दिया जाता है, एंड लेटर रीऑक्यूपाइड द लॉस्ट टेरिटरी, और अपनी जो उसकी टेरिटरीज थी उसे वो रीऑक्यूपाई कर लेता है, अपने अंडर ले लेता है। इन सीई 1576 में हिज आर्मी डिफीटेड दाऊद खान एंड किल्ड हिम, एंड ही एनेक्स्ड ओडिशा इन 1592। 1576 में उसकी आर्मी जो है दाऊद खान को हरा देती है और उसे मार देती है और ओडिशा को अपने अंडर कर लेती है सीई 1592 में। हिज आर्मी कंक्वर्ड काबुल इन 1581। उसकी आर्मी ने, किसकी आर्मी ने, अकबर की आर्मी ने काबुल को अपने अंडर कर लिया 1581 में, कश्मीर को 1586 में, सिंध को 1591 में, और बलूचिस्तान को 1595 में। तो इस तरीके से नॉर्थन एरिया को उसने अपने अंडर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ वाज एडमिनिस्ट्रेशन कैरीड आउट ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। अकबर के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैरी आउट करा गया। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था हमने टू पार्ट में पढ़ा था चैप्टर में, ठीक है, कौन से दो पार्ट थे उसके, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो आंसर क्या है इसका, अकबर्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदू कुश इन वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन ईस्ट। अकबर का जो एम्पायर था वो हिंदू कुश वेस्ट से लेकर ब्रह्मपुत्र ईस्ट तक फैला हुआ था, और हिमालय नॉर्थ से लेकर गोदावरी साउथ तक फैला हुआ था अकबर का एम्पायर। अब उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। दिस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय एम्परर हु हैड ऑल पावर्स। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था वो एम्परर होता था, जिसके पास सारी पावर्स होती थी। ही ऑल्सो हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स टू असिस्ट हिम। उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती थी और ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, एक काउंसिल होती थी, यानी कि ग्रुप होता था मिनिस्टर्स का, ऑफिसर्स का, जो उसे असिस्ट करता था, गाइड करता था। दिस काउंसिल कंप्राइज द वजीर और दीवान। ये इस काउंसिल में आपके वजीर और दीवान भी होता था, ठीक है, यानी कि वजीर या फिर दीवान बोलते हैं, हेड ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड। He was also the paymaster of all mansabdars. वो सारे mansabdars का paymaster भी था। Chief Qazi आपका chief judge होता था, ठीक है, और chief sadar. He was the supervisor of grants and stipends to scholars. Grants and stipends जो scholars को दी जाती हैं, उसका supervisor भी था chief sadar. Mir Saman was the in charge of imperial household. Mir Saman जो था imperial household का in charge भी था। तो ये आपका central administration हो गया। अब हम पढ़ते हैं provincial administration, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, हिज एम्पायर यानी कि अकबर का जो एम्पायर था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 15 प्रोविंसीज और 15 सूबाज, एंड दे वर ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू सरकार्स एंड फर्दर इंटू परगनाज। ईच प्रोविंस वॉज अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार। हर प्रोविंस का एक हेड था सूबेदार, जिसके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी। सूबेदार वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल्स। सूबेदार को भी बहुत सारे ऑफिशियल्स असिस्ट करते थे। एंड ईच परगना वॉज अंडर द चार्ज ऑफ अ फौजदार, और हर परगना
का हेड कौन होता था, एक फौजदार। तो ये था उसका सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द फॉर द मुगल गवर्नमेंट। मुगल गवर्नमेंट के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था? हाउ डिड अकबर इंप्रूव द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अकबर ने रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका कैसे इंप्रूव किया? सो आंसर क्या है, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज लैंड रेवेन्यू। उनका मेन सोर्स तो पहले तो लैंड रेवेन्यू था, एंड फर्दर ट्रेड वॉज ऑल्सो ब्रॉट इन रेवेन्यू। और बाद में धीरे धीरे ट्रेड भी, यानी कि व्यापार के द्वारा भी वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। ही ट्राइड टू इम्प्रूव कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। उसने कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, एंड उसने क्या किया, इट वॉज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। उसने कि सबको एक जैसा टैक्स ना देने की बजाय उसने क्या किया, वो क्वालिटी ऑफ लैंड के बेसिस पर उसने फिक्स कर दिया, और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है उस लैंड पर, लैंड की क्वालिटी कैसी है और उस लैंड पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बेसिस पर उसने रेवेन्यू फिक्स किया। तो इस तरीके से उसने इम्प्रूवमेंट किया था। रेवेन्यू विच वॉज कलेक्टेड इन कैश और काइंड विच वॉज प्री डिटरमाइंड ऑफ बाय ऑफिशियल्स। रेवेन्यू जो है दो तरीकों से कलेक्ट करा जाने लगा, कैश में या फिर काइंड में। ठीक है, काइंड यानी कुछ भी और अदर चीजें देकर, तो वो ऑफिशियल्स के द्वारा प्री डिटरमाइंड था, पहले से ही फिक्स रहता था। लोन्स वर गिवन टू फार्मर्स इन टाइम ऑफ नीड। जब फार्मर्स को जरूरत होती थी तो उस टाइम पर लोन भी दिए जाने लगे। इट वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रोड्यूस ओवर पास्ट 10 ईयर्स। और ये कैलकुलेट किया जाने लगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रोड्यूस, यानी कि कैलकुलेट जो करते थे रेवेन्यू कितना देना है, वो लास्ट 10 ईयर्स में कितना प्रोड्यूस हुआ उसका एवरेज निकाल कर कैलकुलेट किया जाता था। एंड इट वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस। और एवरेज प्रोड्यूस जाता था उसका 1/3 पार्ट रेवेन्यू में चला जाता था। तो ये था उसका क्या, रेवेन्यू कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अकबर्स अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस कल्चर एंड सोशल यूनिफिकेशन इन हिज एम्पायर। आपको क्या लगता है कि अकबर ने क्या कोशिश करी जिससे रिलीजियस कल्चर और सोशल यूनिफिकेशन आ सके उसके एम्पायर में, यानी कि रिलीजियस कल्चरल सोशली सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं। तो उसके लिए अकबर ने क्या किया, अकबर अटेम्प्टेड टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस कल्चर एंड सोशल यूनिफिकेशन इन हिज एम्पायर। अकबर ने बहुत सारी कोशिशें करी जिससे उसके एम्पायर में रिलीजियस कल्चरल और सोशल यूनिफिकेशन आ सके। उसने क्या किया, ही ट्रीटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स इक्वली टू पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिस में उसने हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वली ट्रीटमेंट दिया, ऐसा नहीं किया कि वो पहले मुस्लिम्स को ट्रीट करेगा अच्छे से फिर बाद में हिंदूज को इल ट्रीट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। ही अबॉलिश जाजिया एंड पिलग्रिम टैक्स। पिलग्रिम टैक्स और जाजिया भी उसने अबॉलिश कर दिया। ही वॉज एन एम्परर हु नॉट ओनली लेट हिंदूज बिल्ड देयर टेम्पल्स बट ऑल्सो गेव परमिशन टू बिल्ड देम। ऐसा नहीं था, वो एक ऐसा राजा था जिसने सिर्फ हिंदूज को टेम्पल्स बनाने के लिए ही नहीं बोला, बल्कि वो उन्हें परमिशन भी देता था कि वो उन्हें बना सकते हैं। पॉसिबल कन्वर्जन टू इस्लाम वॉज स्टॉप्ड बाय हिम। जो दबाव डालकर लोगों से इस्लाम कबूल करवाते हैं ना, वो भी उसने स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था। ही गॉट ट्रांसलेशन ऑफ हिंदूज रिलीजियस बुक्स इनटू पर्शियन लैंग्वेज। उसने हिंदूज के जो धार्मिक बुक थी, धार्मिक ग्रंथ थे, उनका ट्रांसलेशन करवाया पर्शियन लैंग्वेज में। एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ऑल फेस्टिवल्स। और सारे त्योहारों में उसने पार्टिसिपेट भी किया। तो इस तरीके से उसने बहुत सारी कोशिशें करी जिससे रिलीजियस सोशल और कल्चरल यूनिफिकेशन वो अपने एम्पायर में ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दीने इलाही। दीने इलाही क्या होता है वो बताना है आपको। दीने इलाही वाज अ वे ऑफ लाइफ। ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। इट्स मेन फीचर्स वर, इसके मेन फीचर्स क्या है, इट्स मेन फीचर वॉज बिलीफ इन वन गॉड। इसका मेन फीचर था कि एक ही भगवान में विश्वास रखना है। इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स था। एंड अकबर नेवर फोर्स्ड एनीवन टू फॉलो इट। और अकबर ने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप इसे फॉलो करना ही करना है आपको इसे, ऐसा कभी नहीं कहा उसने। सबकी मर्जी थी, कोई फॉलो करना चाहता है तो करे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ही ओनली वॉन्ट्स टू यूनाइट द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। वो अपने एम्पायर के लोगों को सिर्फ यूनाइट करना चाहता था, इकट्ठा करना चाहता था। एंड अचीव यूनिटी इन अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। और वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी में यूनिटी लाना चाहता था, ठीक है, एकता लाना चाहता था, एकता फैलाना चाहता था। ही डिसअप्रूव द सिस्टम ऑफ सती। सती का जो सिस्टम था उसे भी उसने बंद करवा दिया। एंड डिस्करेज्ड द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट। और उसने एनिमल्स को जो लोग मारते हैं ना मीट के लिए, उसे भी डिस्करेज करा, उसे भी मना करा। तो यही था आपका दीने इलाही। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैप्टर की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक आर्किटेक्चर फ्लरिश ड्यूरिंग अकबर्स राइन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट है कि क्या आपको लगता है कि आर्किटेक्चर अकबर के शासन में फ्लरिश हुआ, फला फूला। अपने रीजन आंसर के लिए रीजन दीजिए।
यस, आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग अकबर्स राइन। अकबर के शासन में आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा फला फूला। मैग्निफिशेंट कोर्ट्स, पैलेसेस, गेट्स, मॉस्क्यूज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड। बहुत बड़े बड़े कोर्ट, पैलेस, गेट्स, मॉस्क्यूज और पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाई गई। पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास और बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन के बने हुए थे ये चारों चीजें। मार्बल मोजोलियम वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के टॉम्ब पर मार्बल का मोजोलियम बनवाया गया था। टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली एंड द आगरा फोर्ट आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। हुमायूं का जो दिल्ली में टॉम्ब है और आगरा फोर्ट है, ये सभी फाइन एग्जाम्पल्स हैं इस पीरियड में जो भी आर्किटेक्चर था उसके। तो क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं गिव रीजंस पर, आपको रीजंस देने हैं इनके। फर्स्ट है, अकबर फॉलोड अ लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द राजपूत, कि अकबर ने एक लिबरल पॉलिसी फॉलो करी थी राजपूत की तरफ। यस, अकबर फॉलोड अ लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत। हाँ, अकबर ने एक लिबरल पॉलिसी फॉलो करी थी राजपूत की तरफ। ही मैरिड राजपूत प्रिंसेस, राजपूत प्रिंसेस के से उसने शादी करी। कौन सी राजपूत प्रिंसेस? जोधाबाई से। ही ऑल्सो अपॉइंटेड मैनी राजपूत इन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसने बहुत सारे राजपूत को अपॉइंट भी करा अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। राजा मानसिंह वॉज वन अमॉन्ग हिज नवरत्न, और राजा मानसिंह जो राजपूत थे तो वो नवरत्न, जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से एक राजा मानसिंह भी थे। ही एम्ड एट देयर सपोर्ट एंड वॉन देम ओवर अदर ओवर विद मैट्रिमोनियल अलायंसेस, वो चाहता था कि उनका सपोर्ट मिले, राजपूत का सपोर्ट मिले और उस पे उसने जीत हासिल करी। कैसे? मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके, यानी कि शादियों के संबंध बांधकर उसने क्या किया, उन पर जीत हासिल करी। इसलिए अकबर ने एक लिबरल पॉलिसी फॉलो करी थी टुवर्ड्स राजपूत। नेक्स्ट गिव रीजन का है, अकबर इज रेफर्ड टू एज अकबर द ग्रेट, अकबर को अकबर द ग्रेट बोला जाता है। तो रीजन बताना है आपको, ठीक है? तो क्या है, ही वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, वो एक बहुत ही बड़ा मुगल एम्परर था। हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जिससे बहुत सारे सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए। ही गेव रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, उसने सारे धर्मों को रेस्पेक्ट दिया। हिज अचीवमेंट्स हैव मेड हिम विन अ वेरी हाई प्लेस अमंग द ग्रेट किंग्स ऑफ हिस्ट्री, उसकी अचीवमेंट्स की वजह से उसने एक बहुत ही हाई प्लेस हिस्ट्री के सारे महान राजाओं में अपना सेव करा हुआ है। सो इट That's why he is known as Akbar the Great. इसलिए उसे अकबर द ग्रेट बोला जाता है। ये लास्ट है पिक्चर स्टडी, आपको पिक्चर दी हुई है यहाँ पर और इसमें पूछ रहा है नेम दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कौन सी है? ये बुलंद दरवाजा है, ठीक है? वेयर इज इट लोकेटेड, कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकरी में है। When and why was it built? ये क्यों और कब बनाया गया? It was built to commemorate Akbar's conquest of Gujarat in 1875. इसे बनाया गया ताकि अकबर ने जो भी जीत हासिल करी थी गुजरात में उसकी जीत को यादगार बनाने के लिए 1875 में बुलंद दरवाजा बनवाया गया। लास्ट क्वेश्चन है, नेम द एम्परर हु बिल्ट इट, किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया ये, ठीक है? तो गाइस ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।